सो हेलो गाइस, मेरा नाम है अरविंद और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विंग्स फैंटम 410 ईयरबड्स के बारे में। तो दोस्तों, जो भी लोग इस ईयरबड को खरीदने के बारे में सोच रहे हो यार, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि आपको पछतावा भी हो, आपके पैसे बर्बाद भी हो जाएँ। तो आइए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे इस ईयरबड के कुछ फीचर्स की। तो यहाँ पर हमें जो है 16 आवर का प्ले टाइम देखने को मिल जाता है और चार्जिंग केस में आपको जो है 70 आवर का प्ले टाइम देखने को मिल जाएगा। टोटल आपको जो है 86 आवर का प्ले टाइम देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको जो है डिजिटल बैटरी इंडिकेटर का फीचर देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाएगा। आगे दोस्तों बात करें इसके नॉइज़ कैंसिलेशन की, तो ENC नॉइज़ कैंसिलेशन सपोर्ट देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ हमें जो है यहाँ पर 13 mm का ड्राइवर भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको जो है 2 ENC माइक क्लियर कॉल्स के लिए देखने को मिल जाते हैं। बात करें दोस्तों इसके अन्य फीचर्स की, तो यहाँ पर हमें जो है कस्टमाइज EQ यानी कि बेस बैलेंस एंड वोकल देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर हमें जो है IPX माइक का वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाता है। टच कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ हमें जो है 40 ms का अल्ट्रा लो लेटेंसी भी देखने को मिल जाता है, जहाँ से आप जो है बहुत ही स्मूथली जो है आप गेमिंग एक्सपीरियंस कर सकते हो बिना किसी साउंड लैग के। आगे दोस्तों बात करें इसके वॉइस असिस्टेंट की, तो AI वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यानी कि दोस्तों एंड्रॉइड और iOS दोनों में सपोर्ट करने वाला है। अब फाइनली दोस्तों बात करते हैं कि आपको इस ईयरबड को खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। तो दोस्तों इस ईयरबड का प्राइस जो रहने वाला है वो 999 के करीब हमें देखने को मिल जाता है, और दोस्तों मेरे हिसाब से आपको इस ईयरबड को 799 के करीब देखने को मिले तभी खरीदना चाहिए। 999 में थोड़ा सा महंगा हो जाता है। तो दोस्तों आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।